फर्स्ट गियर में शिफ्ट करने के बाद आगे बढ़ाने वाला चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच कॉमन डाउट्स जो कि लोग मुझे पूछते हैं अपील के बारे में। एज अ बिगिनर जब आप ऐसे अपील पे जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि आपको सारे कंट्रोल्स तो पता होते हैं लेकिन अपील एक अलग से चैलेंजिंग पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने क्लच प्रेस किया तो गाड़ी पीछे जाएगा, ब्रेक प्रेस करके रखा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, एक्सेलरेशन दिया तो फिर गाड़ी ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो लोग ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ मत हो, पाँच कॉमन डाउट्स है जो आपके, मैं उनका सोल्यूशन दे दूंगा एंड आपको यहां पे बहुत सारी चीजें बताने का कोशिश करूंगा। तो पहला तो चीज ये है कि अपील में जब आप गाड़ी चला रहे हो एंड आपका बाइक अगर बंद हो जाता है तो उसको स्टार्ट कैसे करें, या फिर अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उसको सही तरीके से रुकाएं कैसे जिससे आप इजीली आगे बढ़ सकते हो। तो अभी तो जैसे ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा अपील नहीं है, नॉर्मल लैंड है। वो सामने सफ़ेद कार है वहाँ पे थोड़ा सा अपील रीजन है तो मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ एंड वो कम से कम पकड़ लो कि 30 डिग्री के जितना स्लोप है, 30 नहीं तो 20 डिग्री तो आराम से होगा। तो हम लोग पहले तो जा रहे हैं वहाँ पे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप कैसे करना है। तो स्टॉप करने के पहले ये चीज़ याद रखना कि आपका गियर होना चाहिए फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर शिफ्ट कर देता हूँ, फुल क्लच प्रेस करके रखा है एंड धीरे धीरे ब्रेक प्रेस करके मैं यहाँ पे गाड़ी रोकूंगा। दिख रहा है, एक्सेलरेशन छोड़ के मुझे ब्रेक प्रेस करना है, क्लच प्रेस करके रखना है एंड फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखना है। अपील में आप इस तरीके से रुक सकते हो ईजिली एंड इसके बाद अगर आपको बंद करना है तो यस, आप ईजिली अपना गाड़ी को बंद कर सकते हो। बंद करने के लिए आप जो भी मेथड चाहिए वो यूज़ कर सकते हो, मे भी हो सकता है कि आपका किल स्विच हो या फिर आप अपना चाबी से बंद कर सकते हो। तो अपील में रुकाना है पहले इस तरीके से, फर्स्ट गियर में रखो हमेशा, ये चीज़ याद रखना, न्यूट्रल पे मत रखना क्योंकि न्यूट्रल पे रखोगे ना तो आप ऐसे रुक नहीं पाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ न्यूट्रल, अभी दिख रहा है मेरा गाड़ी पीछे जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये काफ़ी अच्छा स्लोप वाला एरिया है, वही सेम जगह पर अगर मैंने ये फर्स्ट गियर में कर दिया है एंड मैंने छोड़ दिया है मेरा गाड़ी पीछे नहीं जाएगा। तो 99% बिगिनर्स लोग ये प्रॉब्लम करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करने के टाइम पे ये चीज़ याद रखना, पहले ब्रेक प्रेस करना है फिर क्लच प्रेस करना है। ये चीज़ धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे करता हूँ तो मैं दोनों एक साथ कर लेता हूँ, देखिए, लेकिन मेरा फर्स्ट रहता है फ्रंट ब्रेक क्योंकि जैसे ही आप क्लच प्रेस करोगे ना आपका गाड़ी पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आया? तो अपील में स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ है कि पहले आपको ब्रेक प्रेस करना है एंड फिर आपको क्लच प्रेस करना है, आपका गाड़ी पीछे नहीं जाएगा। अब इसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करना है, अगर आप फर्स्ट गियर में स्टार्ट करना चाहते हो, बाप रे फालतू में लोग इतना एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं, लाउड है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि फर्स्ट गियर में आगे बढ़ाना है या फिर न्यूट्रल में आगे बढ़ाना है, किस तरीके से करना है। दोनों भी वे कॉमन है, दोनों भी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। आपको यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ कन्फर्म है क्योंकि अगर आपने ब्रेक नहीं प्रेस किया तो आपका गाड़ी पीछे जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा बाइक पीछे जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज़ समझ में रखना है कि पहले आपको ब्रेक प्रेस करके रखना है, फिर आप चाहिए तो क्लच प्रेस करके सेल्फ स्टार्ट दे दो, बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अगेन मैं बाइक को बंद करता हूँ और फिर अभी मैं इसको कर देता हूँ न्यूट्रल पे, तो फुल क्लच फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखा, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे मैं करता हूँ न्यूट्रल, न्यूट्रल करने के बाद भी मैं सेल्फ स्टार्ट दे दूंगा तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। बाइक स्टार्ट होने के बाद मैं इसको कर दूंगा फर्स्ट गियर में शिफ्ट और फर्स्ट गियर में शिफ्ट करने के बाद आगे बढ़ाने वाला चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिकी पार्ट नहीं होता तो बहुत सारे लोग इजीली कर लेते। अब ये ट्रिकी पार्ट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा, फ्रंट ब्रेक छोड़ना पड़ेगा एंड क्लच छोड़ना पड़ेगा, ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लच छोड़ रहा हूँ गाड़ी बंद हो गया, दिख रहा है? तो आपको क्लच छोड़ना है, एक्सेलरेशन देना है क्योंकि कोई भी बाइक हो, देखो मेरा 400cc का बाइक है लेकिन फिर भी वो बंद हो जा रहा है, उसमें निकलेगा, आपने देखा रहेगा नॉर्मल जगह पर वो फर्स्ट गियर पर ईजिली चल जाता विदाउट एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादा अपील वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको पावर का ज़रूरत पड़ेगा। सेम गोज़ विद द पिलियन एज वेल, मतलब अगर आपके साथ पिलियन रहेगा तभी आपको उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो लाइक पहला क्वेश्चन तो ये था कि स्टॉप कैसे किया जाए एंड आगे बढ़ाया कैसे जाए। दूसरा पिलियन वाला चीज़ है तो पिलियन वाला भी बताऊंगा, ट्रैफिक में भी आपको बताऊंगा, यानी कि मैं स्लो राइड करके भी बताऊंगा। तो
पहला चीज़ है मैं फ्रंट ब्रेक प्रेस करता हूँ, फुल क्लच प्रेस करता हूँ, बाइक को स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट गियर पे स्टार्ट बराबर। अभी चीज़ ये है कि मुझे आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए पहला चीज़ है यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लच छोड़ूंगा। ये याद रखना धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ, तो क्लच यहाँ पर एंगेज हो गया। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्लच एंगेज हो गया है, क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर फ्रंट ब्रेक छोड़ूंगा ना तो मेरा गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, दिख रहा है? अगर मैं क्लच इससे ज़्यादा प्रेस करूँ तो गाड़ी पीछे जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में याद रखो, यहाँ से क्लच को एंगेज करो पहले, ये धीरे धीरे करो। देखो आप 15-20 बार प्रैक्टिस करोगे आप बहुत ईजिली सीख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लच छोड़ के रखा है, अब मेरा बाइक पीछे नहीं जाएगा, आगे बढ़ने के लिए उसको पावर का ज़रूरत लगेगा। जैसे मैंने पहले बोला था मैं फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखूँगा, फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखा है, क्लच प्रेस करके रखूँगा तो चलेगा। अब यहाँ पे क्लच धीरे धीरे दे रहा हूँ जिससे क्या हो रहा है कि गाड़ी एंगेज हो जा रहा है। एक बार गाड़ी एंगेज हो गया, मैंने यहाँ पर फ्रंट ब्रेक छोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो हाफ़ क्लच ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दिया है, गाड़ी एंगेज हो गया है, बाइक एंगेज हो गया है। अब मैं यहाँ से एक्सेलरेशन दूंगा, दोनों पैर मेरे हैं नीचे है, देखो ये चीज़ याद रखो, दोनों पैर नीचे है। अब जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन बढ़ाना स्टार्ट करूँगा बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है? धीरे धीरे, ये चीज़ याद रखो, धीरे धीरे। एंड इस तरीके से दोनों पैर मेरे नीचे है, अभी धीरे धीरे जैसे गाड़ी का एक स्पीड बढ़ जाता है तो मैं दोनों पैर को ऊपर ले लेता हूँ, क्लच को पूरा तरीके से छोड़ देता हूँ एंड ईजी टू गो, दिख रहा है? अब वैसे ही सेम तरीके से सेकेंड गियर में कैसे शिफ्ट करना है, तो लाइक आप एक चीज़ याद रखो कि इतना स्लो स्पीड पर शिफ्टिंग मत करो, क्योंकि ऐसा करते करते ना आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, फिर गाड़ी झटका मारेगा, दिख रहा है ऐसा? तो उसके लिए चीज़ ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेशन देना है, आप शिफ्ट करो, दिख रहा है? समझ में आया? तो ये चीज़ है, अगेन फिर से मैं रुकाता हूँ, फर्स्ट गियर पे किया मैंने और फुल क्लच एंड ब्रेक, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रुक गया। एंड अभी आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैंने किया, नहीं समझ में आया तो एक और बार देख लेना। अब इसके बाद है पिलियन वाला चीज़, तो पिलियन वाला चीज़ भी सेम है, बट उसमें थोड़ा सा ना आपको एक्स्ट्रा पावर का ज़रूरत लगेगा। अब पिछला वाला जो स्लांटेड एरिया था और अभी का जो स्लांटेड एरिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पिछला वाला स्लांटेड एरिया आपको शायद से ये कैमरा एंगल की वजह से शायद से नहीं दिखता रहेगा, लेकिन स्लांटेड एरिया बहुत ज़्यादा डीप है। तो अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे उठाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सेम चीज़ करना है, बस गाड़ी स्टार्ट करना है, फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखना है, फिर यहाँ से मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ता हूँ, एक्सेलरेशन देता हूँ, गाड़ी आगे बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। अगर ये कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ तो दिख रहा है बाइक बंद हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन आपको सही तरीके से करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है ये बंदा यार? ओके, जो भी चीज़ है, अब वही सेम चीज़ जब पिलियन रहेगा आपके साथ तो गाड़ी को ज़्यादा पावर का ज़रूरत लगेगा। पिलियन के साथ गाड़ी का पावर इसीलिए लगेगा क्योंकि बाइक आपका वेट, आपके बाइक का वेट एंड पिलियन का वेट, ये तीनों साथ में मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक्सेलरेशन, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा एक्सेलरेशन देके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, दिखा आपको? तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। साइड में देख लेते हैं, मिरर में कुछ नहीं आ रहा है, टर्न लेना है यहाँ से क्योंकि अभी स्लोपी एरिया है। एंड यस, डाउन हिल के भी कुछ डाउट्स हैं जो मैं इसके बाद के वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इवन सेम चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर भी चढ़ना है तो ये चढ़ सकते हो आप इजीली, बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक्सेलरेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, दिख रहा है आपको? तो जब आप एक्सेलरेशन ज़्यादा दोगे तो आप ईजिली ऐसे स्लांटेड या स्लोपी एरिया पर आप चढ़ जाओगे। सिर्फ ये चीज़ याद रखना कि क्लच का एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन आप सही तरीके से करो। वाह, ये काफ़ी अच्छा बना दिया यार पहले के मुकाबले, नेवर माइंड। अब स्लांटेड एरिया में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, मैं तो मोस्टली क्लच छोड़ के स्लांटेड एरिया में चलाता हूँ। अब टर्न ले लेते हैं, इसके बाद अभी जो तीसरा डाउट है वो है कि अपहिल में यू टर्न कैसे ले, तो यू टर्न के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एंड वो चीज़ आपको थोड़ा सा, अगेन वो भी एक शॉर्ट ऑफ ट्रिकी पार्ट है, इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यस वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि आपको हैंडल पूरा घुमाना है। अभी तक हम लोग हैंडल स्ट्रेट पकड़ के जा रहे थे, अभी इन तीनों कंट्रोल के साथ हैंडल का भी कंट्रोल करना है। तो जस्ट सेकेंड, मैं आगे से यू टर्न लेके आया। हम लोग सेम जगह पे आ गए हैं एंड अभी हमको ये लेना है यू टर्न। तो अपहिल पे यू टर्न किस तरीके से लिया जाए, ये चीज़ याद रखना कि यू टर्न लेने के लिए आपको पहले यूज़ करना है फर्स्ट या सेकेंड गियर। एंड उसके बाद आपको ये चीज़ करना है कि जैसे यहाँ पे क्लच प्रेस करके रखना है, फुल क्लच प्रेस करके रखना जब तक आपका हाफ़ टर्न नहीं हो जाता। एंड फिर हाफ़ टर्न होने के बाद आपको
देना है एक्सेलरेशन। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी है, तो मैं फर्स्ट गियर पे कर देता हूँ एंड फिर यहाँ से धीरे धीरे मैं अपना, देखो कल क्लच प्रेस करके रखा है एंड फिर जैसे मैंने हैंडल घुमाया इसके बाद हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन देके मैं इजीली निकल सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आया? तो ये टर्न वाला चीज़ थोड़ा सा आपको सही तरीके से करना है, हैंडल पे कंट्रोल आपका सही तरीके से होना चाहिए एंड क्लच प्रेस करके रखो, जिसके वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब आप क्लच प्रेस करके रखोगे तो आपको सिर्फ हैंडल पे फोकस करना पड़ेगा, फ्रंट ब्रेक बहुत रेयरली यूज़ करने का ज़रूरत है। अगर सामने से व्हीकल आ रहा है तो पहले वो भी देख लो, ये कि थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि सामने से व्हीकल आ रहा है कि नहीं। तो वही सेम देखो, अगर यहाँ से भी अगर मुझे लेना है टर्न तो सेम चीज़ करूँगा, पहले तो मैं रुकूँगा देखूँगा एंड साइड में रुकना, हमेशा ये चीज़ याद रखना राइट साइड में एकदम कॉर्नर में, क्योंकि पीछे से व्हीकल आए तो वो चला जाए। फिर अगर ऐसे सिचुएशन से मुझे टर्न लेना, एकदम से मैं स्टॉप हूँ तो देखो पहले व्हीकल आ रहा है उसको जाने दो, सिग्नल इंडिकेटर दे दो, धीरे धीरे क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन दो, एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको एंड आप इजीली टर्न ले सकते हो। देखो लेग आपको नीचे रखना पड़ेगा आपके सपोर्ट के लिए, मोस्टली आपको जो है राइट साइड में टर्न ले रहे हो तो राइट लेग लगेगा, लेफ्ट साइड में टर्न ले रहे हो तो लेफ्ट लेग लगेगा। ये आपको नीचे रखना है जिसके वजह से आप इजीली टर्न ले पाओ। अभी पिलियन वाला चीज़ भी हो गया, टर्न वाला भी चीज़ हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपहिल ट्रैफिक में किस तरीके से चलाया जाए। तो अपहिल ट्रैफिक में फर्स्ट गियर सेकेंड गियर फटाफट शिफ्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम लगता है। मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मल आप 15-20 दिन प्रैक्टिस कर लो, इसीलिए मैंने बोला था कि 15-20 दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे सो आप इन चीज़ों को मास्टर कर लोगे। जब आप एक बार इन चीज़ों को मास्टर कर लोगे तो फिर आपको अपहिल ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अपहिल ट्रैफिक में एक्सेलरेशन की वजह से ही बाइक बंद हो जाता है, वहाँ पर उसको ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ता है। या फिर दूसरा कॉमन रीज़न ये है कि आप थर्ड गियर पे हॉर्न गाड़ी थर्ड गियर पे पिकअप नहीं ले पा रहा है, तो बार बार गाड़ी ऐसा बंद होगा वो सही नहीं है। अगर गाड़ी बंद होगा तो आपका लाइक इंजन को नुकसान हो सकता है, बाइक को नुकसान हो सकता है। मैं बाइक को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एंड मैं फर्स्ट गियर पे आगे बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ एंड जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैं चला रहा हूँ एंड अज्यूम करो कि मेरे आगे यहाँ पे लाइक ट्रैफिक है, दिख रहा है? सो अगर मुझे चलाना है, मेरा स्पीड बढ़ रहा है तो ठीक है। अभी स्पीड कम हो रहा है, एक्सेलरेशन छोड़ा, फुल क्लच प्रेस किया, ब्रेक प्रेस किया, फ्रंट ब्रेक पे लिया, अभी धीरे धीरे इसे को देखिए एकदम स्लोली मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, दिख रहा है? फिर मैं स्लो से आगे बढ़ा रहा हूँ अगेन, फिर यहाँ से धीरे धीरे क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन, एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा देना है, दिख रहा है? क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन आपने दिया तो गाड़ी बंद हो जाएगा झटके से, दिख रहा है? झटका मारा गाड़ी बंद हो जाएगा, तो आपको एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा देना है एंड फिर आप आगे बढ़ सकते हो। एक्सेलरेशन ज़्यादा देना आप आगे बढ़ सकते हो, ये चीज़ याद रखो, फुल क्लच एंड फिर आगे आपको एक्सेलरेशन यूज़ करना। फ्रंट ब्रेक बहुत रेयरली यूज़ होता है सो आपको उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा फोकस, मतलब अगर नहीं किया तो चलेगा, रियर ब्रेक बहुत स्लाइटली या फिर रियर ब्रेक नहीं दिया तो भी चलेगा। तो इस तरीके से जो आपके 5 कॉमन डाउट्स थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ, बी सेफ।